नमस्कार, इस समय हम सेक्टर 20 में पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार इतना जोरों पर है, आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर 20 के पार्क पर जो कितने जो फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन सभी के फ्लैक्स बोर्ड आप देख सकते हैं, और जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं उनके बोर्ड भी यहां पार्क में लगे हुए हैं। अंदर पार्क के अंदर विधायक लीलाराम की पत्नी पहुंची हैं, तो आइए चलकर उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रत्याशी के लिए वो प्रचार कर रही हैं और क्या कुछ उनका कहना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो वार्ड नंबर 7 की जो महिलाएं हैं विधायक लीलाराम की पत्नी का जो स्वागत समारोह है वो कर रही हैं पटका पहनाकर। तो किस तरह से जो पंकज मित्तल के जो पक्ष में जो यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं वो विधायक लीलाराम की जो धर्मपत्नी हैं उनका स्वागत कर रही हैं, तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। पंकज मित्तल के बारे में क्या कुछ उनका कहना है। वार्ड नंबर 7 से ये पंकज मित्तल खड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये, और इनको सब ने अपना कीमती वोट देकर विजय बनाना है। तो ये थी विधायक लीलाराम की पत्नी, जिन्होंने जो पार्षद नंबर जो वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी पंकज मित्तल है उनके पक्ष में मतदान की अपील भी की है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, मेरा नाम रेणु सिंगला, हम बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं जी, पंकज मित्तल के साथ हैं, दिल से हैं और हम दिल से इनके साथ हैं। जब ये एमसीए भी नहीं बनते, इनको टिकट भी नहीं मिलती, तब भी विकास कार्य करते थे, इनकी पूरी फैमिली ही इस कार्य में है। अब इनको टिकट मिली है, हम दिल से इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। एक से हज़ार होती हैं, हम मेरी दिल से दुआ है सबके साथ। हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि पंकज मित्तल को वोट दे के इस हुड्डा का विकास हो। वंदे मातरम। आप बताइए जी, नाम आपका? बबली मित्तल हूँ जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि चढ़ते सूरज को वोट देकर इन्हें सफल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके वोट दें, अपने कीमती वोट इन्हें देकर इन्हें सफल। दिल से हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं हम सब। नमस्कार, मैं पंकज मित्तल की सुपुत्री हूँ। मैं आप सभी से बस यही अपील करती हूँ कि आप मेरे पापा को वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। यदि आप इस वार्ड 7 का विकास चाहते हैं तो पापा को वोट दें, वो जनसेवा बहुत अच्छे से करेंगे। आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी आपका सब, मतलब वो आपके कभी भी पीछे नहीं हटेंगे सेवा करने के लिए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही सिर्फ कि वो मेरे पापा हैं, बट ये इसलिए भी क्योंकि मेरे को लगता है कि किसी इंसान को किस मतलब सबसे अच्छे से उनके परिवार के सदस्य ही जान सकते हैं, और मैं तो उनकी बेटी हूँ। मैंने देखा है उनको कि वो कैसे किसी की भी हेल्प के लिए 2 सेकंड में से भाग दौड़ते जाते हैं। तो प्लीज़, अगर उनके पास अब पावर होगी, अगर उनके पास अब मतलब एमसी की पावर होगी, तो वो ज़रूर करेंगे जन विकास। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मैं पंकज मित्तल की माँ हूँ। देखो जी, मेरे बेटा है, बगैर एमसी बने भी ये समाज की इतनी सेवा में, इसको चाहे रात को उठाओ दिन उठाओ, मेरे बेटा कुछ नहीं देखता, रात देखता दिन सबके साथ है। तो अब एमसी बन गया तो ये सबके साथ अपने वार्ड का भी विकास कराएगा, सबके साथ रहेगा, सबकी सुनेगा, सबकी करेगा। मेरी हाथ जुड़ के यही प्रार्थना है, मैं यही अपील करती हूँ, मेरे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के और इसको सफल बनाए, इसको एमसी बनाए। तो हुड्डा के सेक्टर 20 की वार्ड नंबर 7 की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां कितनी महिलाएं जो पंकज मित्तल के समर्थन में यहां इकट्ठी हुई हैं। तो अब हम बातचीत करेंगे जो पार्षद जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7 से पंकज मित्तल, उनसे क्या कुछ उनका प्लान है, किस तरह से उनका जो चुनाव है वो चल रहा है और किस तरह से चुनाव अभियान वो डोर टू डोर जाकर कर रहे हैं जी। पंकज जी नमस्कार जी। मेरा चुनाव अभियान बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मुझे हर तरह से पूरे समाज से, पूरे महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, सबसे बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है इस बात से। जी, आज यहाँ हुड्डा के सेक्टर मतलब यहाँ जो पार्क में जी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, किस तरह से आपका समर्थन उन्होंने किया? हाँ जी, महिलाएं मेरे समर्थन में जो आई हैं, मेरी माँ कमला देवी मित्तल बहुत समाजसेवी हैं और सबसे प्यार, मेरी माँ का बहुत प्यार है इनसे, और मेरे समर्थन में विधायक लीलाराम जी की धर्मपत्नी आई हैं, तो उनको हम सब मिलके इस वार्ड को बहुत तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि ये लीलाराम जी का और कैलाश भगत जी का अपना वार्ड है। और भाई साहब, लीलाराम जी ने वैसे तो विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा आप यहाँ सफल होके आओ, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अरे एक बात और, वार्ड में एमसी की कोई ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन जब सरकार के साथ एमसी बन जाता है तो वो विकास कार्य करवा सकता है। मुझे भाजपा ने अपने समर्थन उम्मीदवार बनाया है और मेरा चुनाव चिन्ह चढ़ता सूरज है। अगर 19 तारीख को ये जनता, ये सभी वार्डवासी मुझे प्यार देंगे और मुझे जिताएंगे,
तो इस वार्ड की तरक्की होगी, क्योंकि सरकार जिसके साथ है और एमसी अगर उस वार्ड का एमसी बनता है तो सरकार में मैं उनका नुमाइंदा हूँ और मैं विकास कार्य करवाऊँगा।